हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नीतू मौर्या और आप देख रहे हैं एंटी मौर्या स्टाइल। तो जैसे कि आपको पता है, आज का टॉपिक है ऑरेंज पील ऑफ, यानी कि संतरे के छिलके से हम अपने फेस पे स्क्रब कैसे कर सकते हैं और अपने फेस पे जो है कि निखार हम कैसे ला सकते हैं। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा बाउल ले सकते हैं जिसके लिए आप स्क्रब जो है कि तैयार कर सकते हैं। और ये रहा मेरा ऑरेंज पील ऑफ पाउडर। ऑरेंज पील ऑफ पाउडर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, संतरे का छिलका लीजिए या फिर नारंगी का छिलका लीजिए और इसे धूप में 10-15 दिन तक सुखा लीजिए। अच्छे से सुखा लेने के बाद आप उसे ग्राइंड कर लीजिए और उसका जो है कि छोटा सा पाउडर बना लीजिए और उसके बाद आपका ऑरेंज पील ऑफ पाउडर रेडी हो जाता है। और अब यहाँ पे हम लेंगे एक चम्मच पाउडर लेंगे ऑरेंज का जो हमने बना रखा है। ये मेरा ख़त्म हो चुका है फिलहाल, तो थोड़ा बहुत बचा है। नेक्स्ट टाइम मुझे ये पाउडर बनाना होगा तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चम्मच पाउडर लेने के बाद जो है कि आपको क्या करना है, एक टमाटर लेना है। टमाटर लेने के बाद इसे आप इसको आधा काटिए, क्योंकि आधा टमाटर आपके लिए सही होगा, क्योंकि ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और आधा टमाटर आप उसको कद्दूकस कर लीजिए अच्छे से और इसका अच्छे से जूस निकाल लीजिए। ये देखिए, ये मैंने जूस निकाल लिया है और इसका छिलका भी साइड में पड़ा हुआ है। देखिए, जो हमने एक चम्मच पील ऑफ पाउडर निकाला था ऑरेंज, इसमें आप एक चम्मच या फिर दो चम्मच आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो है कि मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको लेना है रॉ मिल्क। एक से दो चम्मच आप इसमें रॉ मिल्क मिक्स करिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देन आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको एक से दो बूंद ही इसमें मिक्स करना। नेक्स्ट आपको दो से तीन बूंद मिलाना है गुलाब जल और एक चुटकी हल्दी पाउडर इसमें मिक्स करना है। देन इस पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है और अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करें। सबसे पहले आप अपने बालों को बांध लीजिए और एक बैंड की मदद से आप अपने बालों को भी बांध लीजिए, जिससे कि आपके बाल गंदे ना हो। और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होता है क्लींजर करने का। यहाँ पे मैंने एक आयुर का क्लींजर लिया है, बहुत ही अच्छा है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर लें। और एक कॉटन बॉल की मदद से आप इसमें जो है कि थोड़े से 5-6 बूंद इसमें गिराइए और अपने फेस पे इसे लगाइए। लगाने के बाद क्या करना है, आपको ऐसे लगाना है कि जैसे आप कुछ छुटा रहे हैं, ठीक है, हल्के हाथों से ही करना है आपको। इसे 2 से 3 मिनट या फिर 1 मिनट भी आप करेंगे वो काफ़ी होगा, ताकि इससे जो है कि आपकी स्किन की जो गंदगी होती है, वो डस्ट जो होती है, वो निकल जाए। तो आपको 2 से 3 मिनट या 1 मिनट जो है कि आपको क्लींजर करना है। इसे आप अपने लिप्स के एरिया के आसपास और नोज पर, आंखों के नीचे अच्छे से क्लींजर करिए, ताकि आपके जो डस्ट हैं वो स्क्रब करने से पहले थोड़े बहुत रिमूव हो जाए और स्क्रब करने में आसानी हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने उंगलियों की मदद से, यानी कि फिंगर टिप्स की मदद से हल्के हल्के टैप करना है। अब हमने जो अपना स्क्रब रेडी किया था उसे हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। सारे फेस पे अप्लाई करके इसको सर्कुलर मोशन डायरेक्शन में इसे अप्लाई करना है। ये जो पैक हमने बनाया है, ये संतरे के छिलके, टमाटर का जूस और जो है एलोवेरा जेल, रॉ मिल्क, हल्दी, ये सारे जो पैक हमने मिक्स करके बनाया है, ये क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और हमारे स्किन की गंदगी को रिमूव करता है। जैसा कि आपको पता है, संतरे में मौजूद साइट्रिक एसिड पिंपल को सुखाने में भी मदद करता है और ये जो है कि ब्लीचिंग का भी काम करता है, जो कि त्वचा के रंग को निखारने में भी मदद करता है। इस पैक का इस्तेमाल करने से हमारे स्किन में जो भी ऑयल होती है वो कम करने में काफ़ी मदद, और ड्राई स्किन वाले भी इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मेरी भी ड्राई स्किन है तो ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। और ये पैक जो हमने तैयार किया था, ये सन टैनिंग को भी रिमूव करने में काफ़ी असर देखने के लिए मिलता है। ये स्क्रब हमारे स्किन को मॉइस्चराइजिंग और एंटी एजिंग को कम करने में काफ़ी मदद करता है और हमारे पोर्स को कम कर हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड लाइटनिंग एंड ग्लोइंग बनाता है। ये काफ़ी ज़्यादा हमारे स्किन में बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। हमारा लास्ट स्टेप होता है फेस पैक बनाना। यहाँ पे मैंने आयुर का कुकुम्बर फेस पैक लिया है, इसे अपने फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लीजिए और इसमें 2-3 बूंद जो है कि गुलाब जल मिक्स करिए और इसे अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, कुछ इस तरह से दिखता है। और इसे हम अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि कहीं भी छूटे ना और सारे जगह पर ये कवर हो जाए, क्योंकि फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम स्क्रब तो कर लेते हैं, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, इसलिए पोर्स को क्लोज करने के लिए हमारा जो लास्ट स्टेप होता है फेस पैक लगाना, वो
लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बिना आपका स्क्रब करना भी बेकार साबित होता है। तो यहाँ पे हम इसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूखने के बाद अब हम इसे जो कि अपना फेस धो लेंगे। देख लीजिए, धोने के बाद मेरे स्किन पे थोड़ा बहुत असर देखने के लिए मिला है। आप इसे वीकली में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।